नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज जो आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये इफोर्बिया मिली का प्लांट है। आज हम इसकी कटिंग कैसे ग्रो करेंगे ये आज आपको मैं दिखाऊंगा। उससे पहले अगर दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों ये इफोर्बिया दोस्तों इस प्लांट की कटिंग मैं अपने सिस्टर के घर से लेके आया था। इसके मेरे पास एक हाइब्रिड वैरायटी है, उस पर मैंने पहले भी वीडियो शेयर करी है। उसके फ्लावर बड़े बड़े हैं दोस्तों और ये इसके फ्लावर छोटे छोटे हैं। ये मिनिएचर इफोर्बिया मिली का प्लांट है। आज मैं इसकी कटिंग लगा रहा हूँ दोस्तों। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है और ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप इसकी कटिंग ईजिली से आप लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज आपको मैं इसकी कटिंग लगाने दिखाऊंगा। आप जब भी इसकी कटिंग कोई सेलेक्ट कीजिए तो आप कोशिश करिए कि उसकी स्टेम की मोटाई थोड़ी अच्छी हो। और चलिए अब मैं इसकी कटिंग करता हूँ। इसकी स्टेम की मैं 3-3 इंच की कटिंग ले लेता हूँ। दोस्तों आप जब भी इसकी कटिंग करें तो ध्यान रखिए आप इसकी कटिंग जिस तरीके से काट रहे हैं वो उसी तरीके से लगा, ऐसा ना हो कि आप इसकी कटिंग करने के बाद भूल जाएं और उसको उल्टा लगा दें तो आपकी कटिंग ग्रो नहीं होगी। तो आप कोशिश करिए कि इसकी कटिंग जिस स्टेप आप काट रहे हैं उसी प्रकार से सीधा इसको रख ले। इसकी मैंने 3 कटिंग ले ली है, मेरे पास ये ज़्यादा लंबा था। और बाकी कटिंग लेने के बाद आप इसके सारे लीव्स रिमूव कर दीजिए। मैंने इसकी सारी सारी लीव्स रिमूव कर दी हैं। आप इसकी इस तरीके से कोई साइड ब्रांचेस है तो आप उसको भी कट कर दीजिए। आप इसकी कटिंग जब भी आप किसी प्लांट की कटिंग लगाएं तो आप इस तरीके से सिंगल स्टेम की ही कटिंग लगाएं, कुछ उसमें साइड ब्रांचेस वगैरह ना हो। देखिए कट करने के बाद इसमें से इस तरीके से दूध निकलता है। आप इसको एक बार पानी में कट करने के बाद पानी में वॉश कर लीजिए। मैं आज अपनी कटिंग इसी पॉलीबैग में लगाऊंगा। आप इसकी कटिंग साधारण सॉइल में कर सकते हैं। मेरे पास ये सिंपल सॉइल है गार्डन की। मैंने पॉली बैग को फिल कर लिया है। दोस्तों आप कटिंग लगाने के लिए इस तरह से पॉली बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैंने अब इसकी कटिंग पानी से वॉश कर ली है। अब मैं इसकी कटिंग अपनी तीनों कटिंग में एक ही बैग में लगाऊंगा। दोस्तों इसकी स्टेम में पानी होता है, इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको पानी भी ज़्यादा पसंद नहीं है। आप इसकी मिट्टी ड्राई होने के बाद ही इस प्लांट को पानी दीजिए। ज़्यादातर लोगों के पास ये इसी वजह से नहीं चल पाता क्योंकि वो और सभी प्लांटों की तरह इसको ट्रीट करते हैं और इसमें पानी की मात्रा सभी प्लांट की तरह इसमें भरपूर देते हैं, इसको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए दोस्तों, जो आप भी इसकी कटिंग लगाए तो कोई इसकी नीचे कटिंग कम से कम 1 इंच मिट्टी में दबा दीजिए।
सी कटिंग बनाने के बाद दोस्तों आप इसको इस कटिंग को कम आप धूप में रखिए जहाँ पे इसको 2 से 3 घंटे की धूप मिल सके और तेज़ गर्मी में बचाइए। तेज़ गर्मी में इसकी कटिंग को ना रखिए, आप इसको ऐसे जगह रखिए जहाँ पे इसको हल्की सनलाइट मिलती रहे 2 से 3 घंटे की। चलिए मैं इसको रख देता हूँ। मेरे यहाँ पे 2-3 घंटे की लाइट आती है, मैं इसको यहीं पे प्लेस करता हूँ। चलिए मैंने कटिंग को लगा दिया है और ये मेरे पास इसकी हाइब्रिड वैरायटी थी, आप देख सकते हैं इस पे मेरे पास बड़े फ्लावर आते हैं। अब इनका सीज़न नहीं है, ये गर्म इलाकों में और गर्मी में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जब इसकी कटिंग ग्रो होती है मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने कटिंग लगाई थी वो हमारी सक्सेसफुल ग्रो हो गई है। इसमें टाइम जरूर थोड़ा लगा है लेकिन सक्सेसफुल हो गया, तो आप इसी तरीके से कटिंग इजी से ग्रो कर सकते हैं इसकी। और देखिए जो दूसरी स्टेम है मेरी, इसमें भी फुटाव आ गया है। और जो मेरी एक है ये मुझे थोड़ी ड्राई सी लग रही है, मेरी सूख गई है, बाकी मेरी दो कटिंग इसकी इजी से ग्रो हो गई है। तो दोस्तों इसकी एक हाइब्रिड वैरायटी आती है और ये स्मॉल वैरायटी, आप दोनों को इजी से इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।